हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ नए क्रिएटर्स के लिए है जिनके मन में यही सवाल हमेशा से रहता है कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट किए जाए हमारे दूसरे चैनल पे या फिर नए चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप अपने चैनल को एक प्रोफेशनली लुक कैसे दे सकते हो, उसके बाद अपने वीडियोज़ पे व्यूज़ कैसे ला सकते हो। दोस्तों, मैं आज आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगा और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ नए क्रिएटर्स के लिए वीडियो है। पुराने क्रिएटर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको शायद पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो ये वीडियो वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आप देख सकते हो मैंने अपना चैनल ओपन कर रखा है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कस्टमाइजेशंस का, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा लेआउट ओपन हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वीडियो स्पॉटलाइट का और यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब्ड। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अपनी कोई ऐसा कॉन्टेंट यूज़ करते हो जो बहुत ही अच्छा है, आपको लगता है बहुत ही अच्छा है कि आपके न्यू व्यूवर्स के लिए अट्रैक्टिव है, तो आप वही वीडियो को यहाँ पे अटैच करिए। जैसे ही आपका व्यूवर, न्यू व्यूवर आपके इनसाइड में जाएगा तो उसे ये ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगी, जिससे इसका व्यूज़ भी आएगा और उस पर इम्प्रेशन भी अच्छा जाएगा। उसके बाद नीचे हमें ऑप्शन मिलता है फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ जैसे ही मतलब आप अच्छा कंटेंट लगा देते हो, व्यूवर्स आपके वीडियो को देख लेगा, उसके बाद आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जैसे ही वो सब्सक्राइब करेगा तो वो सब्सक्राइब होने के बाद YouTube इसको ले जाएगा इस वीडियो पे। यहाँ आप देख सकते हो फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर। जैसे ही आप उस मान लो आप नए व्यूवर्स हो तो आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो अगर ये ऑप्शन लगा होगा तो साथ के साथ ये वीडियो भी ओपन हो जाएगी, जिससे इसके भी व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है फीचर सेक्शंस का। दोस्तों, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम ऐड सेक्शन भी कर सकते हैं। वैसे तो YouTube ऑटोमेटिक ये कर देता है कि अपलोड्स, पॉपुलर वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस। इसे कैसे सेट करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले मेरा चैनल कुछ इस लेआउट में दिखता था, आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो जो ट्रेलर वीडियोस थी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको ये वीडियोस नज़र आएगी। उसके बाद आप देख सकते हो अपलोड्स, ये अपलोड की हुई मेरी लेटेस्ट वीडियोस है, पॉपुलर अपलोड ये वीडियोस है, उसके बाद मेरे शॉर्ट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, यही है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इसमें आप ऐड सेक्शन भी कर सकते हो। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ऐड सेक्शन कैसे करना है, और इसमें आप एक फीचर चैनल ऐड भी कर सकते हो, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो नए चैनल पे। अगर आप मान लो सेकंड चैनल बनाते हो तो उसके सब्सक्राइबर आप बहुत ईजी गेन कर सकते हो अगर आपकी फेस वैल्यू है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम ऐड सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप फीचर चैनल पे जाओगे ऐड सेक्शन से, उसके बाद आप यहाँ पे लिख दोगे माय सेकंड चैनल। तो दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। अगर सर्च नहीं करना चाहते तो आप देख सकते हो मेरे साथ में ही हॉरर चैनल ओपन हो रखा है मेरा। ये मेरा फीचर मैंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हो हॉरर स्टोरीज चैनल है मेरा। उसके बाद यहाँ से आप इसका लिंक ले सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पर लिंक पेस्ट कर सकते हो तो आपको यहाँ पे आपका चैनल मिल जाएगा। उसके बाद आपको सीधा ऐड कर देना है। यहाँ आप देख सकते हो कि अब मेरा व्यूज़ यहाँ पे ऐसे आ रहा है, वीडियोस पहले ही शो हो रही है, लेकिन वीडियोस पहले शो हो रही है, उसके बाद बहुत नीचे जाके मेरा चैनल आपको मैं दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके। स्क्रॉल डाउन करते ही हमें यहाँ पे हमारे चैनल को, तो दोस्तों जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपका चैनल यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैंने पब्लिश नहीं किया था इसलिए नहीं आया। तो दोस्तों, मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे पब्लिश करूँगा उसके बाद व्यू चैनल पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरा चैनल सबसे नीचे शो कर रहा है। तो दोस्तों, इस बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सॉरी एक मिनट दोस्तों, सबसे नीचे मेरा चैनल शो कर रहा है। दोस्तों, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि सबसे नीचे चैनल को ऐड कर देते हैं, इतनी नीचे कोई नहीं जाता। तो इस चैनल को ऊपर कैसे लाया जाए, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस चैनल को अब मैं ऊपर कैसे लेके आऊँगा।
दोस्तों ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हमें टू डॉट्स मिलते हैं, सॉरी टू लाइंस मिलती हैं। तो हम जैसे ही इसे ऊपर लेके जाएंगे, ये देखो आप ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आ गए हम, ये दूसरे नंबर पे। अब मैंने इसे यहाँ पे रख दिया फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद मैंने इसे पब्लिश कर दिया। तो यही चैनल अब इस वीडियो, ये वीडियो मैंने ऐड की हुई है जो आप देख रहे थे, उसके बाद जैसे ही हम सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो ओपन हो जाएगी, और जैसे ही हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ये चैनल हमें नज़र आएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको, व्यू चैनल पे जैसे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट पे मेरी वीडियोज़ आ गई, उसके बाद ये मेरा सेकेंड चैनल आ गया, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही जेन्युइन तरीका है अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने का। तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ब्रांडिंग पे जाना है। तो यहाँ पे आपको सबको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको अपना लोगो लगाना है, उसके बाद अपना बैनर इमेज, यानी कि जिसे हम चैनल आर्ट भी बोलते हैं, जिससे चैनल प्रोफेशनली लगता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, व्यू चैनल पर जाते हैं तो यहाँ पर मेरा चैनल आप देख सकते हो, यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, उसके बाद मेरा लोगो लगा हुआ है, चैनल मेरा वेरीफाइड है। तो दोस्तों उसके बाद आप एंटायर वीडियो ये अपना लोगो लगा सकते हो, मतलब ये एक वाटरमार्क का होता है, कोई भी वीडियो पे अगर आप वाटरमार्क का लगाना चाहते हो, मतलब ये वीडियो में नहीं होता, मतलब वीडियो के बाहर ही होता है, यूट्यूब का ये एक ऑप्शन है। उसके बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे संदीप पुल्लर चैनल का नेम, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जैसे कि मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 लाख 1 ईयर का लिखा है, तो अब इसे हम डिलीट करके 1 मिलियन इन ईयर कर देते हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर इन 1 ईयर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद हमें चैनल का URL है मिला हुआ है, तो ये चैनल की ID है दोस्तों। उसके बाद हमें देखता है चैनल URL। दोस्तों ये जो यू से लेके है ये वाली, ये हमारे चैनल की ID होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इससे चैनल, मतलब अगर किसी को आप देते हो, प्रोवाइड करवाते हो, किसी लिंक पे प्रोवाइड करवा देते हो, तो ये हैंक भी हो सकती है, तो इससे ध्यान से थोड़ा यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो हमें ऑप्शन मिलता है कस्टम URL। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा कस्टम URL ऑलरेडी बना हुआ है, संदीप पुल्लर टेक्निकल। और ये कैसे वर्क करता, मतलब यही लिंक अगर आप मैनुअल लिखोगे तो भी ये चीज़ वर्क करेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। www.youtube.com/c/ ये चीज़ आ गई, आप देख सकते हो, जैसे ही मैं एंटर मारूँगा तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये कस्टम URL है, ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है, आपको बना लेना चाहिए, और ये एलिजिबल होता है 500 सब्सक्राइबर के बाद। उसके बाद आपको यहाँ देख सकते हो आप, मेरी फर्स्ट वीडियो का लिंक मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। वैसे आप इसमें 5 लिंक भी अपलोड कर सकते हो, जैसे आप फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, और भी वगैरह वगैरह जो भी आप करना चाहते हो, 5 लिंक। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ईमेल ID आप भर सकते हो, यहाँ पर मेरी ईमेल ID है digitalnext1313@gmail.com। उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ पब्लिश, और आपको मैं दिखा देता हूँ ये आपको कहाँ पे दिखेगी। उसके बाद हमें व्यू चैनल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पे क्लिक करोगे, आपको जाना है अबाउट में। अब यहाँ आप देख सकते हो मेरी फर्स्ट वीडियो का लिंक यहाँ पे भी शो हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो मेरी फर्स्ट वीडियो का लिंक यहाँ पे भी शो हो रहा है। उसके बाद मैं जैसे ही व्यू मेल पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हो ये मेरी ईमेल आईडी जो मैंने अभी फिल की थी। उसके बाद ये मेरी डिस्क्रिप्शन आपको शो हो रही है, उसके बाद सब्सक्राइबर शो हो रही, सॉरी व्यूज़ शो हो रहे हैं, उसके बाद मेरे को मेंबरशिप भी मिल रखी है। तो दोस्तों काफ़ी लोगों का ये सवाल रहा है कि मेरा चैनल वेरीफाइड टिक हो गया है, गिनी चुनी वीडियोज़ हैं, और फिर भी मेरा चैनल कैसे वेरीफाई हो गया। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर 1,17,919 सब्सक्राइबर हैं, ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं। दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल हैक हो चुका था। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, इसमें मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है जो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो ये वाली वीडियो कहाँ गई, सॉरी यहाँ पे नहीं है, आ गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वीडियो मैंने बना के डाली थी। मेरा चैनल हैक हो गया, ये देखिए
दोस्तों इस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस भाई को मतलब ये ऑब्जेक्शन रहा है कि मेरा चैनल इतनी जल्दी वेरीफाई हो गया, मेरा चैनल एक साल पहले हैंक हो चुका था, उसके बाद हैंकर ने सारे वीडियोस डिलीट कर दी और ये चैनल एक साल के बाद अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करोगे तो भाइयों आपके भी व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि डेड हो चुका होगा, सब्सक्राइबर्स भूल चुके होंगे आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, मैं मिलता हूं नई वीडियो में।